దేశంలో కరోనా తీవ్రత రోజురోజుకు పెరిగిపోతుంది. గడిచిన 24 గంటల్లో భారత్లో 1543 కొత్త కేసులు నమోదైనట్టు కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ వెల్లడించింది. దేశంలో 29435 కేసులు నమోదు కాగా వారిలో 6868 మంది కోలుకున్నారని ఆ శాఖ సంయుక్త కార్యదర్శి లవ్ అగర్వాల్ తెలిపారు. భారత్లో రికవరీ రేటు 23.3% ఉందని తెలిపారు. గత 28 రోజుల్లో 19 జిల్లాల్లో కొత్త కేసులు నమోదు కాలేదన్నారు. దేశంలో ప్లాస్మా థెరపీ ఇంకా ప్రయోగ దశలోనే ఉందని, దీన్ని కరోనా చికిత్సకు ఉపయోగించవచ్చని ఎలాంటి ఆధారాలు లేవని ఆయన స్పష్టం చేశారు. దీనిపై ICMR అధ్యయనం చేస్తుందని తెలిపారు. 29435 హో చుకీ హై ఔర్ అగర్ హమ్ దేఖే కి జో హమారే కేస్ యాక్టివ్ మెడికల్ సూపర్విజన్ మే హై తో ఉన్కీ సంఖ్యా 21632 హై. అబ్ తక్ पिछले 24 घंटे में 684 पेशेंट्स हैव बीन फाउंड क्योर्ड, जिससे कि हमारा टोटल लोग जो क्योर हुए हैं वह संख्या 6868 हो चुकी है. इससे हमारा रिकवरी रेट करीब 23.3% इस टाइम समय हो गया है, जो कि एक बहुत ही प्रोग्रेसिव इंक्रीज है. मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूंगा, आज देश में 17 ऐसे जिले हैं जहां पर पहले केस आए थे लेकिन पिछले 28 दिनों से कोई नया केस रिपोर्ट नहीं हुआ है. इन जिलों में एक जिले की बढ़ोतरी हुई है, जैसे कि कल बताया था हमने आपको, और एक जिला ड्रॉप हुआ है, यानी कि दो जिले ऐड हुए हैं और एक जिला ड्रॉप हुआ है. जो जिले ऐड हुए हैं वह है कलिम्पोंग वेस्ट बंगाल में, वायनाड केरला में, और जो जिला जहां पर एक एडिशनल केस आया है वह लखीसराय बिहार में. इसका सीधा तात्पर्य यही है कि हमें कॉन्स्टेंट विजिल मेंटेन रखने की आवश्यकता है. किसी भी जिले में, किसी भी स्टेट में जब हम कार्य करें तो वहां पर किसी भी तरह की रिलैक्सेशन ना हो. आज माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और उनके 18 ऑटोनोमस बॉडीज और साथ में उनसे संबंधित पीएसयूज के डायरेक्टर्स के साथ रिसर्च के बारे में समीक्षा की. उन्होंने मेक इन इंडिया के तहत एंटीबॉडी डिटेक्शन किट्स, रियल टाइम PCR बेस्ड डिटेक्शन किट्स और COVID-19 के लिए वैक्सीन के डेवलपमेंट को फास्ट ट्रैक करने के लिए कहा. माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने आज दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री, कॉरपोरेशन कमिश्नर्स, दिल्ली के सभी जिलों के DMs और DCPs, सेंट्रल और स्टेट के जितने हमारे हॉस्पिटल्स हैं उनके डायरेक्टर्स के साथ भी कोविड सर्वेलेंस के करंट स्टेटस का दिल्ली और आसपास के प्रांतों से संबंधित रिव्यू किया.